Hey friends, welcome to my YouTube channel. Myself your host Harshita and you are watching my channel Dear Life. So आज मैं ऐसी क्यों आई हूँ, क्योंकि आज मैं कोई वीडियो या कोई हेल्थ का टिप्स देने नहीं आई हूँ. आज मैं एक ब्लॉग वीडियो बनाने आई हूँ. ऐसे मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ, तो आई डोंट नो कि कैसा बनेगा. सो आप लोग अगर अच्छे से नहीं बना तो प्लीज़ जज मत करना. तो मैं जा रही हूँ कहीं बोकारो से बाहर. कहाँ जा रही हूँ वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तब आपको पता चल जाएगा. तो अभी शाम के 4 बजे है और मुझे कल 7 बजे का बस है. तो मैंने अभी तक पैकिंग नहीं किया है, वही मैं पैकिंग कर रही हूँ. आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं ये मेरे क्लोथ हैं. वो कुछ क्लोथ हैं जो मैं दिवाली में पहनने जा रही हूँ, क्योंकि मैं दिवाली में वहीं रुकूंगी. ये भी मेरा लहंगा है, आप इसे देखेंगे दिवाली में. ये कुछ चूड़ी है, कुछ ज्वेलरी है, कुछ मेकअप है, और ये ड्रेस है जो मैं पहन के जा रही हूँ. हाँ तो फ्रेंड्स, पैकिंग लगभग हो गई है. अभी मैं अपने बालकनी में हूँ. हालांकि पैकिंग के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी आप कहीं ट्रैवल करें तो उससे पहले एक लिस्ट बना लें. जैसे टूथपेस्ट का सामान मैं जैसे टॉयलेटरीज का सामान, जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप, हैंड वॉश, और डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं. तो मैं टूथपेस्ट वगैरह या ज़्यादा सामान लेके नहीं जा रही, क्योंकि मैं वहाँ अपने रिलेटिव मतलब अपने घर ही जा रही हूँ ऐसे. तो फिर वहाँ पे तो सारे सामान होंगे. अगर आप किसी होटल वगैरह में ठहरिएगा तो वहाँ पे आपको बहुत सारा सामान ले जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा बहुत सारा सामान ले जाना नहीं पड़ रहा है. और साथ ही साथ अभी विंटर्स है, पूरी तरीके से विंटर्स नहीं आई है. मैं जब तक ये वीडियो अपलोड करूँगी तब तक काफ़ी विंटर आ चुकी होंगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है. तो फिर भी मैं स्वेटर वगैरह लेके जाऊँगी. हाँ, तो आप जब भी पैकिंग कीजिएगा तो एक लिस्ट बना लीजिएगा, टॉयलेटरीज़ का सामान, फिर अपने स्किन केयर, हेयर केयर का सामान, जैसे क्रीम्स, सनस्क्रीन, शैम्पूज़ वगैरह, ऑयल वगैरह, फिर कुछ मेकअप का सामान हुआ, क्लोथ वगैरह, मेडिसिन वगैरह भी कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि फिर ट्रैवल के टाइम जैसे मुझे हेडेक होता है, वैसे हो सकता है कि आप लोगों को भी हेडेक होता हो, या तो फिर गैस वगैरह का प्रॉब्लम, या वहाँ पर जा करके अगर आपको बाई चांस मेडिसिन खरीदना पड़े या मार्केट वगैरह खोजना पड़े, तो उससे अच्छा है ना कि आप यहीं से चले जाओ. और जैसा कि अभी जानते हैं कि लॉकडाउन है, तो ट्रेन तो नहीं चल रहा, बस चल रहा है, और बस में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मुझे मेडिसिन ले जाना ही पड़ेगा. ऐसे मुझे जाने का मन नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा. तो फिर मतलब मन नहीं है क्या, बस में जाने का मन नहीं है. और थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए जा रही हूँ, तो कुछ कुछ सामान ले जा रही हूँ एक्स्ट्रा, और कुछ कुछ सामान मैं वहीं पे छोड़ के आऊँगी. तो इसके अलावा भी मेरे और भी सामान है, लेकिन मतलब वो ऐसे दिखाने लायक सामान नहीं है, मतलब रैंडम कुछ सामान है जो मैं वहाँ पे रख के आऊँगी. तो आप इस तरीके से आप लोग भी पैकिंग कीजिएगा. जब थोड़ा चैनल ग्रो कर जाएगा तो मैं एक पैकिंग से रिलेटेड भी वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी. तो आप लोग मेरा बैल्कनी देखना चाहें तो मैं आपको शेयर करूँगी. ये मेरा बैल्कनी से काफ़ी खूबसूरत व्यू है. मैं ये अपने फ़ोन के कैमरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ. और ये ग्राउंड फ्लोर है, हालांकि यहाँ पे अभी कोई रहता नहीं है. आप लोग कहते रहते हैं ना कि तुम ऐसे रूम में वीडियो क्यों बनाती हो, छत या ग्राउंड में क्यों नहीं बनाती हो. तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, जहाँ पे मैं 4th फ्लोर में रहती हूँ, और ये ग्राउंड फ्लोर है, उनके पास आंगन है, और ये छत है. छत का चाबी किसके पास है नहीं पता, तो छत जाना भी पॉसिबल नहीं है, और आंगन तो है ही नहीं मेरे पास, इसीलिए मुझे रूम में ही बनाना पड़ता है. फ्रेंड्स, मैं किसी प्रोफेशनल ब्लॉगर तो नहीं हूँ जो मैं बहुत अच्छा से ब्लॉग बनाऊंगी. जस्ट मैं घर जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, कुछ फ्रेंड्स से मिलूंगी, उसी का ब्लॉग है. आप मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे फैमिली हो, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. मतलब मैं खुशी से आपसे शेयर कर रही हूँ सब चीज़. तो अभी तो फ़िलहाल थोड़ी देर में पैकिंग करूँगी, फिर धीरे धीरे आपसे शेयर करते जाऊँगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी सुबह हो चुकी है नेक्स्ट दिन का, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ. बहुत ठंड है, स्वेटर पहना हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है. सुबह 6 बज रहा है. अभी कुछ बनाऊँगी, पैकिंग तो हो चुकी है, रेडी होंगी और चलूँगी. हाँ तो फ्रेंड्स, अब तैयार हो गई हूँ, निकलूँगी. बहुत ठंड है तो मैंने स्वेटर नहीं खोला. जब तक गर्मी नहीं लगेगा तो मैं तो नहीं खोलने वाली स्वेटर. मैं आपको चलते चलते मेरे मोहल्ले के रोड्स वगैरह दिखा रही हूँ. हेलो फ्रेंड्स, तो बस मैं पहुंच चुकी हूँ. बस थोड़ी देर में खुलने वाली है. ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलूँगी, आई होप आपको सुनाई देगा, क्योंकि बस है ना, और ब्लॉगिंग कोई करता नहीं है यहाँ पर, तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे.
इतना दूर ट्रैवल बस में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि ना बस में तबीयत ख़राब हो जाती है तो बस में कहीं जाते नहीं है, जहाँ जाते हैं ट्रेन से ही जाते हैं। और मेरे पास तो ऐसा कुछ कैमरा नहीं है, तो फिर मुझे ऐसे ही मोबाइल के कैमरे में वीडियो मोड में ही पूरा ब्लॉग शूट करना पड़ेगा। जस्ट ऐसे ही कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग से शेयर करने के लिए, आप लोग फ्रेंड हो फैमिली हो इसलिए ऐसे कर रही हूँ। शायद आपको मेरा आवाज़ थोड़ा धीरे सुनाई दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलेंगे तो फिर पता नहीं लोग क्या समझेंगे। तो फिर बने रहिए मेरे साथ और क्या। हाय गाइस, तो फाइनली रीच टायर्ड, चेंज करके फिर बात करती हूँ, ठीक है। हे फ्रेंड्स, तो मैं नहा ली हूँ, शैम्पू की हूँ, क्योंकि इतना दूर से जर्नी करके आई थी, हेडेक हो रहा था, ऊपर से कोरोना का टाइम है तो इस समय अच्छे से थोड़ा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। सारा सामान को भी सैनिटाइज कर दिया गया है अच्छे से, और मैं लंच भी कर ली हूँ, अभी सब सो रहे हैं तो मैं आराम से आपसे बात कर सकती हूँ। जर्नी अच्छा हुआ ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे बस में वॉमिटिंग लगती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, और वही प्रॉब्लम हो रहा था। फिर बीच में बस रुका था तो मैं वहाँ पे उतरी, उतर के थोड़ा सा इधर उधर वॉक की, उसके बाद मुझे अच्छा लगा पूरे जर्नी में। मतलब मैं हाफ जर्नी कंप्लीट कर लिया था, हाफ बाकी था, तो उसके बाद मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगा। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगे गाड़ी में या बस में, बहुत तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या कीजिएगा कि उतर जाइएगा, उतर के थोड़ा सा वॉक कीजिएगा, थोड़ा सा खुला हवा में सांस लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। और अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो, जैसे काफ़ी हेड पेन हो या पेट में दर्द हो, तो क्या कीजिएगा, ज़ोर से सांस लीजिएगा, इनहेल एक्सहेल कीजिएगा, ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो उससे क्या होगा ना कि बहुत कंफर्टेबल लगेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अभी शायद दोपहर के 2 बज रहे हैं, टायर्ड हूँ तो अभी सोऊंगी, फिर शाम को उठूंगी, छत वगैरह दिखाऊंगी और भी बातें करूंगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। हेड पेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डार्क चॉकलेट, जो मैं हमेशा प्रिफर करती हूँ, मैं खुद खाती हूँ। हमेशा मेडिसिन वगैरह लेना सही नहीं है, ये हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये मेडिसिन जैसा काम करेगा, लेकिन स्टिल ये बहुत काम करता है। बाहर आवाज़ हो रहा है, कहीं मंदिर वगैरह से आवाज़ हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करें। हे गुड इवनिंग टू यू ऑल, तो मैं अभी टेरिस पे हूँ, आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा लोकेशन है। पहले यहाँ पे इतनी घर नहीं हुआ था, कौन कौन इस लोकेशन को पहचान रहा है यार, कमेंट करो। मैंने अभी तक बताया नहीं कि मैं कहाँ आई हूँ, आप लोग ना पूरा देखते नहीं हो इसीलिए नहीं बताया। और टेरेस पे आई हूँ ऐसे ही घूमने के लिए, सो के उठने के बाद काफ़ी फ्रेश लगता है। हेयर कॉम वगैरह की हूँ। इस टाइम ट्रैवल करना सेफ नहीं होगा, लेकिन बहुत दिनों से मैं यहाँ नहीं आई थी तो आना भी ज़रूरी था। आप लोग भी ट्रैवल करें तो सेफली ही करें। एक्चुअली ना यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि मैं ऐसे यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ, तो पता चलेगा ना तो मुझे बहुत डांटेंगे, तो इसीलिए ना मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ। आई डोंट नो मैं ये पूरा ब्लॉग कैसे बनाऊँगी, चुपके चुपके, यू नो, चुपके चुपके काम करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वन डे जब मैं एक अच्छी पोजिशन पर रहूँगी यूट्यूब की, तो मैं सबको बता दूँगी। एक्चुअल में होता क्या है ना कि पेरेंट्स जो हैं बड़े बुजुर्ग, ये सब चीज़ों को बकवास मानते हैं, लेकिन सक्सेस हो जाने के बाद या एक अच्छे पोजीशन पे आ जाने के बाद सभी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मेरे साथ भी वही केस है। आज शैम्पू किया था मैंने, तो आप भी ऐसे ही कहीं ट्रैवल करके आए, तो अभी तो कोरोना का टाइम है, अभी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही कहीं ट्रैवल करके आए तो शैम्पू करके धो लेने से हेयर क्लीन हो जाता है, वरना फिर वो डर्ट्स वगैरह जम जाते हैं।
यहाँ आने से पहले मैं प्लान की थी कि मैं वीडियो बना के रख ली हूँ, मतलब अर्लियर में, जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ। आज है 10th ऑफ नवंबर, लेकिन और मैं यहाँ से रिटर्न जाऊँगी शायद 28th और 29th ऑफ नवंबर, मतलब टोटल एक महीना ही लगभग समझ लीजिए। तो इसीलिए मैं क्या की हूँ कि पहले से ही घर में बहुत सारा वीडियो शूट करके रखती हूँ, आपको वीडियो आते जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, और मैं एडिट भी करके रख ली हूँ, और ये ब्लॉग आपको दिसंबर के 5-6 तारीख को ही मिलेगा, ठीक है। ये क्योंकि छोटा छोटा ब्लॉग है तो एक एक करके क्लिप जोड़ जोड़ के एडिट करने में काफ़ी मेहनत लगती है, और मैं कोई प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ, और मेरे पास कोई प्रोफेशनल और कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि अच्छा सा सॉफ्टवेयर गाइस ख़रीदना पड़ता है, और अभी कुछ इन्वेस्ट करना सही नहीं है जब तक कुछ इनकम ना हो। और आप लोगों से बातें कर रही हूँ ऐसे, आप लोग हमेशा बोलते रहते हो ये थोड़ा सा क्वालिटी ठीक करो, तो मैं क्वालिटी ठीक करने का बहुत कोशिश करती हूँ गाइस, कि क्या मैं खुद नहीं चाहूँगी कि मेरे वीडियो अच्छे हो, लेकिन वही बात है ना कि अभी मेरे पास लिमिटेड सामान है या लिमिटेड फैसिलिटी है, तो मैं अभी उतना कुछ क्वालिटी ठीक नहीं कर सकती। लाइट क्वालिटी, साउंड क्वालिटी जितना हो सकेगा मैं ठीक करती हूँ। मैं मैक्सिमम अपने वीडियोस बहुत रात को बनाती हूँ, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ही अपना वीडियो का शूटिंग करती हूँ, क्योंकि फिर ना दिन में करने से बहुत सारा आसपास आवाज़ आने लगेंगे, और मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ तो मेरे आसपास बहुत लोग हैं। इनफैक्ट मेरे बिल्डिंग में टोटल 18 घर हैं, तो उसमें इतने सारी फैमिलीज रहती हैं, और इधर उधर शोर तो होगा ही, इसीलिए उसमें बहुत डिस्टर्बेंस होती है। इसीलिए मैं दिन को शूटिंग नहीं करती, और रात के वक्त उतना लाइट नहीं रहता है, जितना लाइट है मेरे पास उतना ही मैं करती हूँ। और मैंने तो बताया था कि मेरे पास ना ही आंगन है ना ही छत है, तो मैं आंगन में भी नहीं शूट कर सकती, छत में नहीं शूट कर सकती। यहाँ पे मेरे वीडियो शूट कर देने वाला कोई है नहीं, वरना ये बहुत अच्छा लोकेशन था शूटिंग करने का, अगर कभी पॉसिबल हो तो मैं प्लान करूँगी, ठीक है, शूटिंग करने का इस लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ छत है और यहाँ काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है इवनिंग के वक्त, मॉर्निंग के वक्त भी काफ़ी अच्छी लाइट आती है, तो वो बेस्ट होगा। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें, ताकि मैं भी थोड़ा लगभग पोजीशन पे आ जाऊँ। मेरे कल के कुछ खास प्लान नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने रूम को डेकोर करूँगी, रूम को डेकोरेट करने के बाद, थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेने के बाद मैं अपने रूम दिखाऊँगी आपको, फिर मैं कुछ फ्रेंड्स के घर भी घूमने जाऊँगी, उनसे भी आपको मिलाऊँगी, कहीं छोटे मोटे जगह घूमने जाऊँगी तो उनसे भी आपको मिलाऊँगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, वी ऑल आर फैमिली गाइज। सो एक्चुअली कल रात मुझे बहुत सारा वीडियो एडिट करना था, लगभग मैं 3 से 4 वीडियो एडिट की एक ही दिन में, एक वीडियो ही एडिट करते करते मुझे 2-3 दिन लग जाता था, लेकिन मैं क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, स्टडीज़ वगैरह बहुत कुछ रहती है, तो धीरे धीरे एडिट करती हूँ, लेकिन कल एक ही दिन में 3 से 4 वीडियो मैंने एडिट किया, और पैकिंग वगैरह किया, मतलब एडिटिंग स्टार्ट किया मैंने 10 बजे और 3 बजे ख़त्म हुआ, 3 बजे से ले करके मैं 6 बजे तक सोई, मतलब बस 3 घंटा ही मैं सो पाई, उसके बाद तो फिर मैं आ गई, और बस में मुझे नींद भी नहीं आई, मैं यहाँ पे जितना सोई हूँ, आई होप कि मैं जल्दी सो जाऊँ, मेरे सोने का आदत बहुत ख़राब हो चुका है। आई नो मैं आप लोगों को टिप्स देते रहती हूँ हेल्थ का, लाइफस्टाइल का, लेकिन कुछ दिनों से मेरा भी लाइफस्टाइल ख़राब हो गया है। आई होप कि यहाँ आके मेरा सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम ठीक हो जाए। सो गाइस यही है, मिलते हैं फिर, और आगे देखते हैं, कुछ स्पेशल होगा तो दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। सो डिनर रेडी है, डिनर करके मैं आपसे बात करूँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट
थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। कितना 6:30 बज रहा है। तो हाँ, यहाँ पे मेरी सोने की आदत एकदम ठीक हो गई है। यहाँ पे 11 11:30 बजे सो जाती हूँ, 5 6 बजे उठ जाती हूँ। तो आज मेरी फ्रेंड आने वाली है, तो आज मुझे थोड़ा सा घर को डेकोर करना है, मतलब थोड़ा सा क्लीन करना है। ऐसे मैं 2 3 दिन से क्लीन कर ही रही थी, 2 3 दिन से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि दिन काफ़ी नॉर्मल जा रहा था, काफ़ी बोरिंग जा रहा था। लेकिन आज उससे मिलूँगी, थोड़ा मार्केट की तरफ जाऊँगी तो वो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं इतने बड़े बड़े सामान हैं, मैं इसे ले करके आई थी, इसीलिए मैं आपको रोड साइड का ज़्यादा व्लॉग नहीं बन दिखा सकी। आज मैं क्लीन करती हूँ, पूरे रूम को अच्छे से डेकोर करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी 9 बज रहे हैं और मैंने पूरा घर डेकोरेट कर दिया, मैं आपको दिखा रही हूँ। सो दिस इज़ माई रूम, माई बेड। इतने बड़े बेड में मैं अकेली सोती हूँ, 3 जन का बेड है। ये स्टडी टेबल, ये बहुत मेमोराइज है, सबको मेमोराइज होगा। ये हम लोग पढ़ा करते थे, इसको यहाँ पे चिपका के रखते थे ताकि याद हो, लेकिन अच्छे से तो याद नहीं हुआ, हो गया था लेकिन अभी भूल गए हैं। कि मैं मौसी के घर का ब्लॉग इसी वीडियो में बनाऊंगी या दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, देखती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो अब हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर। ये है मेरा मोहल्ला, आप देख सकते हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे रास्ता में क्योंकि ना आदमी लोग वो हंसेंगे, यहाँ पे कोई बनाता नहीं है। वीडियो बना रहा एनर्जी भी बहुत फील होता है। हे फ्रेंड्स, आई एम रीच ऑन हर हाउस, बट वो थोड़ा शाई हो रही है बात करने के लिए। मैं कराऊंगी बात, दिखाऊंगी सब चीज। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत घूमा, बहुत इंजॉय किया, मैं आपको बताऊंगी सारा नज़ारा। ये पूरा विलेज का नज़ारा है, वो विलेज बहुत ज़्यादा पसंद है, बोकारो में एकदम ऐसा नज़ारा मिलता ही नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ना, जिसको मिलता नहीं उसको बहुत अच्छा लगता। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं कितनी बदमाशी कर रही हूँ, दीवार पे चढ़ गई हूँ, ऐसे ही बदमाशी कर रही हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये जगह। मेरी फ्रेंड है। हे फ्रेंड, दिस इज माय ब्यूटीफुल विलेज एंड आई वी शेयर इन आवर विलेज वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट विद माय स्वीटी। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। हमको पता है, तुम बताएगी क्या? हमको ये सब पता है कि मजा लगता है। हेलो फ्रेंड, सी ऑल, हाय करो, अपना नाम बोलो। रिया कुमारी सिन, चितल कुमारी सिन, हाय। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एकदम लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग। अब मैं वापस घर आ गई, थोड़ा सा थक गई हूँ क्योंकि उसका घर थोड़ा दूर था, मतलब शहर से थोड़ा दूर था, विलेज एरिया में था। आपने वीडियो में लोकेशन देखा है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा जगह था गाइस। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है, बोकारो में तो मिलती नहीं है, मतलब है बोकारो में लेकिन मुझे पता नहीं है, और हमेशा से शहर में रहती आ रही हूँ तो गाँव का कुछ ऐसे देखा ही नहीं। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन वही पेरेंट्स अलाउ नहीं किए, तो फिर जल्दी घर आ गई। इतने अच्छे थे उनके फैमिली वाले, इतने प्यार किए मुझे, मतलब परिवार का कमी महसूस ही नहीं होने दिया। यहाँ पे आके बहुत बहुत बोर लगता है, पूरा दिन मैं बोर होते रहती हूँ। बोकारो में जो है दिन भर काम रहता है, इधर उधर के चक्कर में बोकारो में टाइम पार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट इतना बोर लगता है। पूरा हम लोगों ने पूरा इन्जॉय किया, जैसे मैं यहाँ उसके घर करीब
दस साढ़े दस बजे पहुंच गई तो उनके मम्मी ने नाश्ता दिया, बहुत सारी बातें की, फिर उनके आंटियों के घर गए, उन्होंने एक नाश्ता दिया, इधर उधर घूमे थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर लंच किए। लंच करने के बाद फिर वही थोड़ा ग्राउंड वगैरह में घूमे। बहुत बहुत बदमाशी की मैंने, मतलब मेरे अंदर का जो जंगली हर्षिता है वो निकल गई थी। पूरा इधर खाली रास्ता था, पूरा दौड़े, धूम मचाए, सेल्फी लिए, फिर मैं दीवार में चढ़ गई थी, वहाँ से कूदी। मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के आपको, मतलब इसी वीडियो के अंदर डाल दूँगी, आप देख लेंगे। बहुत बहुत इंजॉय किया, आने का मन नहीं था क्योंकि फिर यहाँ पे आके तो बोर ही होती, लेकिन फिर आ गई। अभी थोड़ा सा लेटी हुई हूँ क्योंकि थोड़ा टायर्ड लग रहा है। फिर मैं अपने मामी के घर, मामा मामी के घर जाऊँगी, आपको दिखाऊंगी। मेरे घर के जस्ट पास ही है मामा मम्मी का घर, बहुत अच्छा जगह है। अभी इवनिंग का टाइम है, बहुत अच्छा। आप लोग क्लोजअप से देखिए, मेरा स्किन भी काफ़ी ग्लो कर रहा है क्योंकि मैं होम रेमेडी ट्राई करती रहती हूँ। आप लोगों को जो भी मैं बताती हूँ, मैं खुद सेल्फ भी वो सारी चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। विंटर्स में मिल्क, हनी, ये सब रेगुलर अप्लाई करने से स्किन काफ़ी सॉफ्ट मॉइस्चराइज हो जाता है, काफ़ी ग्लो करता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो कल दिवाली है, कल भी इंजॉय की करूँगी। प्लान नहीं बनाई हूँ क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। एक लहंगा है रेड कलर का जो मैं पहनूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। उसके बाद फिर मैं मासी के घर जाऊँगी, वहाँ का भी ब्लॉग शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा कि दो पार्ट में ब्लॉग बनाऊँ, एक यहाँ का, एक मासी के घर का। तो देखती हूँ जो ईजी पड़ेगा वही करूँगी। और इवनिंग का टाइम, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ तो थोड़ा सा लेटी हुई हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। आपसे बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार सोच रही हूँ कि लाइव भी आऊँगी ताकि आपसे, मतलब, और अच्छे से बातें हो पाएंगी। ऐसे तो बस मैं ही बोल रही हूँ, आप बोल नहीं रहे हो। तो लाइव आऊँगी तो आप भी बोलोगे कुछ, मैं भी बोलूँगी, यही है। थोड़ा सा रूम को भी डेकोरेट किया है और फिर अच्छा लगता है। फ्रेंड्स जो है लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम लोग कोई बचपन के फ्रेंड्स नहीं है, ऐसे ही जस्ट हैवे मिल गए थे सोशल मीडिया में, फिर पता चला एक ही शहर में रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो मुझे कॉल करने लगी तो कभी कभी बात करती थी मैं, फिर बात करते करते हमारी थिंकिंग काफ़ी मैच करने लगी, बहुत अच्छा लगने लगा। वो मतलब बाय हर्ट बहुत अच्छी है, वो इतनी अच्छी लड़की है कि उससे कोई भी दोस्ती करना चाहेगी। तो वो बहुत अच्छी लड़की है, तो मुझे भी उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आज उसके घर गई, वो मेरे घर आई, तो वैसे कर करके हमने पूरा दिन इंजॉय किया। यही फ्रेंडशिप जो है, अच्छे पर्सन से करो, अच्छे लोगों से करो तो बहुत अच्छा लगता है। एक ही फ्रेंड्स हो लेकिन बहुत अच्छा हो। तो इतने दिनों बाद और भी कुछ फ्रेंड्स से मैं मिलने का प्लान की हूँ, देखती हूँ। एक्चुअली मैं हर जगह व्लॉग नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ पे उतना कोई बनाता नहीं है, तो यहाँ पे इस चीज़ का कोई यूज़ टू नहीं है। एक्चुअली मैं भी यूज़ टू नहीं हूँ ऐसे, मैं रास्ते में ऐसे व्लॉग बनाते जाऊँगी तो मैं सब कोई देखने लगेगा इसीलिए। लेकिन धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। ऐसे आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो, ऐसे ही प्यार देते रहिए, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वही है, आप लोग भी इंजॉय करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसे कैसे इंजॉय कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे तो बिल्कुल ठंड नहीं है, मैं फ़ैन चला रही हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। देखो मैं फ़ैन चला रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बहुत गर्मी है। आप बताइए कि आप लोग वहाँ ठंड है कि गर्मी है। बोकारो में तो बहुत ठंड है, रिटर्न जाने वाली हूँ तो बहुत ठंड लगेगी। अभी क्या, बोकारो में इससे पहले से ठंड शुरू हो गई है, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ अभी चाउमीन पार्टी कर रही हूँ मेरे घर पे, लेकिन वो लोग कंफर्टेबल नहीं अपना फेस दिखाने के लिए, तो बस मैं ही बता रही हूँ। फिर
बने रही है, इंजॉय कर रही हूँ पूरा, लेकिन बोर भी लग रहा है, घर का बहुत याद आ साइड मेरा उसको जूठा नहीं करना। तो पार्टी स्टार्ट हो गई है, फिनिश हो गया। सबसे ज़्यादा खाना ये लोग वेस्ट की है, मैं सबसे ज़्यादा खाई हूँ, फूडी हूँ, प्लस खाना वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है, समझी रहे, खाना नहीं वेस्ट करना चाहिए। लीजिए आप भी खा लीजिए, कैमरा किधर है, लीजिए आप भी खा लीजिए। आप लोग भी खाना नहीं वेस्ट कीजिएगा। इंजॉय किया हमने अच्छा खासा, यहाँ पे मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, यही थोड़ा बहुत छोटे छोटे चीज़ों के साथ इंजॉय करती हूँ। बहुत याद आ रही है बुखारों की, लेकिन कुछ दिन अभी रहना है यहाँ पे, तो है ही है। आप लोग भी खाना वेस्ट नहीं कीजिएगा। बहुत कोई बोलेंगे कि हर्षिता तुम तो इतना हेल्थ कॉन्शियस हो, फिर जंक फूड क्यों खा रही हो। एक्चुअल में कभी कभी खा लेते हैं, उतना आप लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं ना कर सकेंगे, लेकिन स्टिल अभी 7:30 बज रहा है तो टाइम से ही खाई हूँ, और जितना हो सकेगा फॉलो करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैं थोड़ा फूडी हूँ, थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ, ज़्यादा खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ ओवर ईटिंग हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ओवर ईटिंग नहीं करती हूँ, ज़्यादा खाती हूँ लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करती हूँ, और जितना खाती हूँ उतना योगा एक्सरसाइज भी करती हूँ। मैं जल्दी ही वेट लॉस से रिलेटेड भी वीडियो बनाने वाली हूँ, और बोकारो में जिम ज्वाइन करने वाली हूँ, तो उसमें भी मैं छोटा मोटा वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। और फ्रेंड्स खाना एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ना, अगर मैं किसी के घर जाती हूँ तो खाना फिनिश तो इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खाना खाना, और दूसरी बात है कि मुझे एकदम वेस्ट करना पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को ना खाना मिलता नहीं, हम लोग को खाना मिल रहा है तो हम लोग ऐसे खाना फेंक दे रहे हैं, बहुत लोगों को खाना मिलता नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो लोग ऐसे गटर वगैरह से उठा के खाते हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप किसी को दे दें, और अगर नहीं हो तो किसी जानवर को दे दें, लेकिन ऐसे फेंके नहीं, समझे। ये सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ज़िंदगी में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी रात का टाइम है, अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है, कुछ फ्रेंड वगैरह को कॉल करूँगी या तो बस ऐसी बैठी रहूँगी, तो यही है, तो बने रहिए। विश यू वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली। आज दिवाली है तो ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है, बस घर में थोड़ा दिया लगाऊंगी और कहीं घूमने जाऊंगी, हो सकता है आज जाऊँ, हो सकता है कल जाऊँ। एक्चुअली बोकारो में अभी रहती तो बहुत काम रहता, सफाई करना था, रंगोली बनाना था, फिर दिया सजाना था, खाना बनाना था, सबसे इम्पोर्टेंट मिठाई बनाना था, खाना बनाना था, लेकिन यहाँ पे मिठाई जो है सब, खाना वगैरह सब जो है बाहर से ही आता है, और कुछ वैसा स्पेशल बनता नहीं है, रंगोली वगैरह नहीं बनता है, पूजा जो है यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं होता है, मतलब बाहर होता है, घर में नहीं होता है। और हाँ घूमने जाना तो है, और दिया वगैरह जलाना है, फ्रेंड्स से मिलूँगी, पूरे पुराने पुराने फ्रेंड्स सब मिलते हैं ऐसे ही फेस्टिवल में, मिलते हैं अपने लाइफ में सबको, अपने स्टडीज़ वगैरह में, करियर वगैरह में, जॉब्स वगैरह में, इतने ज़्यादा बिजी हो गए, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है, तो ऐसे ही फेस्टिवल वगैरह में मिलती हूँ। हाँ तो उन लोगों से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, कल रात मैं पूरा मिस कर रही थी बोकारो का, बहुत याद आ रहा था, तो मैं दिखाऊंगी, मैं लहंगा पहनने वाली हूँ लेकिन मेकअप वगैरह भी करने वाली हूँ, तो मैं आपको सारा वीडियो दिखाऊंगी। अभी जस्ट सुबह के 8 बजे है, ब्रश कर लिया मैंने, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी मैं ऑयलिंग करूँगी हेयर पे, फिर मैं शैम्पू करूँगी, शैम्पू करने के करीब 2 से 3 घंटे पहले ऑयलिंग करना चाहिए, इतना डैंड्रफ हो गया कि रेगुलर शैम्पू अब करना मस्ट हो गया, और डैंड्रफ की वजह से बाल भी काफ़ी ज़्यादा यू नो हल्का ड्राई होते जा रहे हैं, तो पैम्पर करना तो बनता है,
तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में क्या क्या किया दिवाली में, और इंस्टाग्राम में मेरे से फ़ोटो शेयर कीजिएगा, मुझे टैग कीजिएगा। दिन तो काफ़ी बोरिंग जा रहा है, कुछ काम ही नहीं है। अभी मेहंदी लगाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मेहंदी लगाने नहीं आता कुछ खास, मेहंदी लगवाऊंगी। बगल में एक बच्ची है, वो लगा देगी। मैं उसका भी वीडियो आपसे शेयर करूंगी, उसका एक सेपरेट भी वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको अगर मेहंदी का टिप्स चाहिए हो तो वो मिल जाएगा। और अभी फिर शाम को दिवाली का तैयारी करूँगी। शाम होने में अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं दिया लगाऊंगी। मतलब दिया अच्छे से धुल चुका है, अब उसे धूप में सुखाने दूंगी। धूप है ही नहीं यहाँ पे। मुझे छत में देना चाहिए था, लेकिन वो सब कोई बोल रहा है कि नहीं छत में नहीं देना, क्योंकि वही कौवा हुआ कुछ मतलब आ जाता है, छू देता है, तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए। डन, अब नेक्स्ट टास्क है मेहंदी लगाना। मेहंदी लग गई है, मैं दिखा रही हूँ। इतना ही लगाया है, ज़्यादा नहीं, इतना ही लगाया और नहीं लगाया है। बच्ची है ना, वो तो थक गई थी, और अभी 3:30 बज रहा है, सूख जाएगा जल्दी ही। थोड़ा देर में रेडी होंगी, उसके बाद दिया जलाऊंगी, फिर लहंगा पहनूंगी, फिर लहंगा चेंज करके घूमने जाऊंगी। आज ही घूमने जाऊंगी, क्योंकि शायद आज ही जाते हैं, पूछ लूँगी। मामा मामी के साथ घूमने जाऊंगी तो पूछ लूँगी। मैंने सोचा था कि एक वीडियो बनाऊंगी मेहंदी का सेपरेटली, और उसे दूसरे दिन अपलोड करूंगी, लेकिन नहीं हो पाया पॉसिबल, क्योंकि वो मेरे ही फ़ोन से डिज़ाइन देख के बना रही थी। और फिर छठ से पहले भी एक वीडियो अपलोड होगा। ये वीडियो तो आपको दिसंबर में मिलेगा, दिसंबर के 5-6 तारीख तक, क्योंकि ये छोटा छोटा क्लिप है, मैं ऐसे एडिट करूँगी फिर बनाऊँगी। अभी तो मैं बाहर आई हूँ, मैं अपना लैपटॉप वगैरह कुछ लेके नहीं आई हूँ, मैं सारा वीडियो पहले से ही बनाई हूँ और उसे ये अपलोड की हूँ। क्या हुआ बाबू? दिवाली टू यू ऑल। आप लोग इंजॉय कर रहे हैं? कैसे इंजॉय कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ, मैं लहंगा पहनी हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसे आंटी? ठीक है। हाय बोलिए कैमरा में। अरे तेरी हाँ, तो पड़े जाबो ना, एक तो पड़े गले सबाई बोल बोल, कत बड़ लागछे कत छोट लागछे। आर्यन हाय करो कैमरा को। हाय। अरे तू कौन है? आज
का जो हमने देना खोल ऊपर खोल ऊपर ऊपर जगह में तरिया में घुस तो इनने आलू ना आलू आलू राजम बर्बाद हो तो नहीं नाम खोजला ना नाम खोजला ना ये पूरा करने तो ये आलू आलू से आलू से आलू से तार देख रहा तो तारिया में हटा दिया नहीं गाएंगे ए भी नहीं बाबू ऐसे नहीं करते रुक भगवान की पहले पूजा करो कुछ पूजा नहीं वो कटी कटी ऊपर रहेगा क्या ऊपर तो ऊपर तो नहीं बहुतों ने नहीं लगाया था लेकिन लगाना चाहिए। अब आप बोलोगे मैंने तो आपको मास्क लगाते देखा नहीं, तो मैंने भी मास्क लगाया था लेकिन फ़ोटोज़ वगैरह लेते टाइम रिमूव कर दी थी, फिर आके प्रॉपरली सैनिटाइज़ किया, मेकअप रिमूव किया, अच्छे से नहीं कर पाई। आप देख सकते ये काजल वगैरह भी लगा क्योंकि मैंने यहाँ पर मेकअप रिमूवर लाना भूल गई थी, तो पानी से जितना हो सका मैंने रिमूव किया। फिर बाल वगैरह अच्छे से ये किए, चेंज किए, फिर डिनर भी किया। वही है, थोड़ा मिस कर रही थी अपने घर को। एक्चुअली बात है ना कि मम्मी के जाने के बाद थोड़ा लाइफ चेंज सा हो गया है। अरे जा, मैं आपको मेरी मम्मी से मिलाना ही भूल गई ब्लॉग में, मैं मिलाती हूँ। सी इज़ माय मॉम और ये मैं हूँ। ये फ़ोटो तब की है जब मैं 10th में थी।
अभी रियल लाइफ में तो वो है नहीं, तो आप फोटो ही देख लीजिए, रियल लाइफ में होती तो फिर मतलब लाइफ थोड़ा अलग ही होता। थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यहाँ पे, बहुत बोर हो जाती हूँ, इसीलिए मतलब बोकारो में ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, लाइफ है, लाइफ का नाम ही एडजस्ट करना है। कभी लाइव आऊँगी तो फिर मैं अपना लाइफ का स्टोरी शेयर करूँगी कि स्ट्रगल किया है, दुख झेला है, लेकिन अभी मैं इमोशनली इतना स्ट्रांग हो गई हूँ कि प्रॉब्लम को अच्छा से आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। आप भी अपने प्रॉब्लम को हैंडल कीजिएगा, इमोशनली स्ट्रांग होने का कोशिश कीजिएगा, सेल्फ डिपेंडेंट होने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक टाइम है ना जब हो सकता है आपके साथ कोई ना हो, हो सकता है आप ऐसा किसी प्रॉब्लम में हो पड़ जाएँ जब आपके साथ कोई मौजूद ना हो किसी कारण से, तो उस वक्त के लिए आप इमोशनली स्ट्रांग रहें और बाहर से आते वक्त सेफ्टी बरते, मेकअप रिमूव करें, स्किन का ख्याल रखें, हेयर का ख्याल रखें और कोरोना से ज़रूर बचे, मास्क यूज़ करें, घर में आके अच्छे से सैनिटाइज यूज़ करें। पूजा मंडप में भी बस एक पूजा मंडप में मैंने सैनिटाइजर पाया, बाकी कहीं पर भी सैनिटाइजर नहीं था। फिर डस्टबिन लगा हुआ नहीं था, जो खिचड़ी वगैरह प्रसादी वगैरह खा रहे थे यहाँ वहाँ फेंकते रहते, तो ये सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अब रात हो गई है, थोड़ी देर जगूंगी फिर सो जाऊंगी, फिर कल का ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहें, मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी मम्मी कैसी लगी। गुड मॉर्निंग टू यू, अभी जस्ट सो के उठी हूँ, उठूँगी बिस्तर से थोड़ा देर में, ब्रश वगैरह करूँगी। दिवाली ठीक ठाक ही गया मेरा, ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं ले सकी क्योंकि वो व्लॉग बनाने में मैं बिज़ी थी। आप लोग भी अपने फ़ोटोज शेयर कीजिएगा मेरे साथ। बाबू नहीं, तेरा फेस नहीं आ रहा, फेस नहीं आ रहा। हमको एफडी फोटो खिंचाना मुझे। फ्रेंड्स एंजॉय अ लॉट, आज हमने फिश पार्टी भी किया, मैंने आपसे वो शेयर भी किया था और बहुत एंजॉय किया था, एंजॉय किया सिस्टर लोग के साथ। मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगी वीडियो क्लिप बना के। और आज मैंने किस हाथ पे मेहंदी भी लगाया, लेकिन अभी तक कलर नहीं आया, कलर एक दिन बाद आता है, चाहे जितना भी देर रख लो कलर एक दिन बाद आता है। कल मैंने यही मिस्टेक कर दिया था कि कल मैं लगा ली थी और पूरा घूम भी ली, लेकिन वही कलर एक दिन बाद आया, देख सकते हैं। अभी जो है खीर बनाऊंगी, आपसे वीडियो शेयर करती रहूंगी, आप लोग ऐसे ही इंजॉय करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। ऑलरेडी आप देख सकते हैं वो मिरर थोड़ा गंदा हो गया है, एक कुर्ती फ्रॉक पहना है, स्कर्ट पहना है और बनारसी दुपट्टा लिया है, स्मोकी ब्लू स्मोकी आई मेकअप किया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि मैं कैसी लग रही हूँ। ছেলেটা তো আমার মতো নিয়ে দেখতে পারে মাঠ।
हे फ्रेंड्स, कैसे हैं? कैसे गई दिवाली? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घूम फिर के मैं आ गई, वहीं गई थी जहाँ कल गई थी। तो मतलब डबल डबल वीडियो नहीं किया क्योंकि एक बार तो रिकॉर्ड कर ही दिए थे कल। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी क्योंकि थोड़ा मतलब मन ख़राब है, थोड़ा रो रहे थे थोड़ी देर पहले। पता नहीं आँख में भी पानी है या लाल हो गया आँख की, नहीं रो रहे थे मतलब क्या कि अच्छा ही लग रहा था थोड़ा। समय के साथ साथ सब कुछ काफ़ी बदल गया है। एक मूवी देखे वो रोबोट पार्ट टू, शायद रोबोट टू पॉइंट समथिंग, तो उसमें क्या हुआ ना कि बहुत ही इमोशनल सीन था और हकीकत ही बात था, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता उसका। बताओ आप आवाज़ उठाओगे, हम आवाज़ उठाएंगे, कौन कौन आवाज़ उठाएगा? मतलब टेक्नोलॉजी ज़रूरी भी है और बर्बादी भी है। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, बस वही बोलना चाहती कि अभी जो बिगड़ते हालात हैं उसको रोकना बहुत मुश्किल है। आप और हम मिलके नहीं रोक सकते, सबको रोकने के बारे में सोचेंगे तभी रोक पाएगा। अल्टरनेटिव तो है लेकिन अब कोई निकालेगा तब ना, कोई इतना सोचेगा तब ना। दो तीन अकेला जान करेगा तो क्या भी हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। एक महीना, दो महीना, साल भर कुछ हो पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा रैली निकल पाएगी, पोस्ट हो पाएगा फेसबुक में, सोशल मीडिया में, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। इसीलिए अब जब कुछ नहीं हो सकता तो फिर परिस्थिति को वैसे ही छोड़ दिया जाए, लेकिन दुख होता है समय के साथ साथ सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल जा रहा है। सब लोग मासूम है, मासूम जानवर सब का लिए सोचना चाहिए। मैं तो हमेशा सोचते रहती हूँ। लॉकडाउन के टाइम भी मैंने बहुत उन लोगों का केयर किया। फिर मेरे यहाँ पे दो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे भी थे, मतलब बिल्ली का बच्चा हुआ फिर वो मर गई, तो छोटे छोटे बच्चे थे। फिर उनको निपल से दूध पिला के बहुत बड़ा किया। उसके बाद फिर कोई एक मांग रहा था कि नहीं हमको रखना है, तो फिर मैंने उसे थोड़ा बड़ा होने के बाद दे दिया। तो बस वही है, हाँ तो बस वही है। फिर लोग भी काफ़ी बदल गए। जैसे पहले क्या होता था ना कि हाँ, मैंने इस वीडियो में पहले क्लिप में आप देखोगे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है हम लोग फ्रेंड्स अब सबको इधर उधर पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए बाहर चले गए हैं, तो फिर मिल नहीं पाते। तो क्या होता है ना कि फेस्टिवल के टाइम में ही जब यहाँ हम लोग के घर के पास से मूर्ति विसर्जन होता है, मतलब वहीं से एक बार मूर्ति जाता है, तो उसको देखने के लिए पूरा मतलब मोहल्ला एकदम भीड़ लगा के बाहर निकल के जाता था, बैठे रहता था वहाँ पे पूल में, और फिर बातें करते थे। फ्रेंड लोग बहुत ऐसे तो मिल नहीं पाते थे, पुराने पुराने बचपन के फ्रेंड हैं जिनके साथ खेले हैं, गुड़िया के गुड़ियों से खेले हैं, लुका छिपी खेले और ना जाने कितने सारे खेल खेले हैं, तो उन लोगों से मिलते थे, बातें करते थे, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद फिर बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आती थी, करते थे। लेकिन क्या हुआ कि इस बार कोई जमा ही नहीं हुआ, कोई अपने घर से नहीं निकला, खाली मूर्ति पार होने टाइम कुछ पर्सन निकले थे, उसके बाद नहीं निकले। तो ये बातें मुझे थोड़ी ख़राब लगी, कि अब लोगों को किसी से बात करने का इंटरेस्ट ही नहीं है। सब कोई मतलब बात करना हो तो फ़ोन में चैट हो जाता है, फ़ोन कर दिया जाता है, अब कोई किसी के घर भी नहीं आता है। तो ये थोड़ा मतलब बुरा लगा। मतलब आज की जनरेशन में के लोग, बच्चे कुछ कुछ गलतियां ऐसे कर देते हैं या बिगड़ जाते हैं जो सही नहीं है। अभी मतलब बहुत दिन बाद आई हूँ ना यहाँ, ऐसा मान सकते साल भर बाद ही आई हूँ, तो ध्यान नहीं दिया। मतलब इस बार थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रही हूँ,
और रहती थी ज़्यादा कहीं निकल देती थी, कहीं ध्यान नहीं देती थी। तो देखा कि सब बच्चे थे, कितने बड़े हो गए, सब छोटे छोटे से दीदी दीदी बोला करते थे, कितने बड़े हो गए और कितने बदमाश हो गए, मतलब गलत संगति में आ गए हैं। तो उन लोगों को बिगड़ता देख काफ़ी दुख होता है। देश के ही तो भविष्य हैं आजकल के लड़के, आजकल की लड़कियाँ देश के ही तो भविष्य हैं। तो ऐसे अच्छा ही लग रहा था, लेकिन अब समझाएंगे तो ये लोग समझेंगे नहीं, अपना गार्जियन का बात नहीं समझते तो मेरा क्या समझेंगे, तो यही बुरा लग रहा था। आप भी सोचोगे क्या भाषण दे रही हूँ, लेकिन जस्ट वो है ना, मैं आपको अपना फ्रेंड, अपना फैमिली सब कुछ शेयर समझती हूँ। तो जैसे मैं एक अपने अच्छे फ्रेंड के साथ शेयर करती थी, वैसे ही मैं शेयर करती हूँ। मैं अपने वीडियो हमेशा डालती रहूँगी, जब तक मुझे अच्छा लगेगा मैं डालती रहूँगी। हाँ, मेरे वीडियो में ज़्यादा व्यू नहीं आता है, कोई कोई देखता है, कोई कोई नहीं देखता है। जैसे मैं भी एक हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड रिवोल्यूशन कर रही हूँ। रिवोल्यूशन तो नहीं, वो तो बड़ा बात बोल दिया मैंने, बस मैं चाहती हूँ कि कम से कम मेरा वीडियो देख के कोई मोटिवेट हो। तो कोई होता है, कोई नहीं होता है, लेकिन मेरा तो मकसद है कि होते हो, तो मैं तो बनाते रहूँगी। प्लस मुझे आप लोगों से बात करना, आप लोगों का हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो करती रहूँगी। अब आप लोगों को पसंद आया तो देखिएगा, मुझे पता है आप लोगों को पसंद आता है, चलो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी हिम्मत देते हो कि मैं बना सकूँ, यही है। अब दिवाली ख़त्म हो गई इस तरीके से। हाँ, इस बार दिवाली में मैं थोड़ी सैड हुई, क्योंकि फिर ना मैं यहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ, फिर मम्मी का याद आता है, फिर मिस करती हूँ। इसीलिए ऐसा नहीं है इंजॉय नहीं किया, इंजॉय किया अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा हुआ सैड। अभी रात के शायद 12 बज रहे हैं, सो जाऊंगी थोड़ी देर में, नींद बिल्कुल नहीं आ रहा है, मूड अभी भी ख़राब है, लेकिन सो जाऊंगी। कल मुझे मासी का घर जाना है, तो मैं उसका एक अलग व्लॉग बनाऊंगी, मतलब पार्ट टू बनाऊंगी। तो आप पार्ट वन भी देखिएगा, पार्ट टू भी देखिएगा, आई होप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर अभी वीडियो तो अपलोड हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, छठ से पहले भी एक वीडियो अपलोड करूँगी, छठ का भी एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो ऐसे ही बने रहिए, प्यार करते रहिए, मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, मेरे फ़ोटोज़, मेरे सब नए नए फ़ोटोज़, दिवाली के फ़ोटोज़, सब के फ़ोटोज़ मैं वहाँ पे अपलोड करते रहती हूँ। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ये करें। अगर आप, बहुत कोई बोलता है ना कि फेसबुक पेज का लिंक खुलता नहीं है, तो आप अगर फेसबुक पेज में डियर लाइफ हर्षिता पॉल करके सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। DEARLIFE हर्षिता PAUL पाल, ठीक है, ये पाल का स्पेलिंग गलती कर देते हैं, तो ये PAUL होगा और उसमें मेरी फ़ोटो लगी हुई है, तो आपको मिल जाएगी। और आप उसके अंदर जाइएगा तो कंफर्म होने के लिए मेरे और भी फ़ोटोज़ लगी हुई है, मेरे चैनल का लिंक, चैनल का थंबनेल आपको मिल जाएगा, आप उसे आसानी से पहचान लोगे। तो वही है, आप उसे फॉलो कर दीजिएगा, देखते रहिएगा मेरे नए नए फ़ोटोज़, वीडियोज़, मेरे लाइफ में जो चलते रहते हैं मैं उसमें अपलोड करती रहती हूँ, मेरे थॉट्स उसमें शेयर करती रहती हूँ। और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं तो हमेशा से ही अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। और मेरे चैनल के पास जब आप खोलिएगा तो उसमें एक अबाउट रहेगा, उसमें अबाउट में लिखा हुआ रहता है चैनल के बारे में, तो उसमें भी इंस्टाग्राम, फेसबुक का जो है वो, उसमें भी आप अगर क्लिक कीजिएगा तो उसमें भी मिल जाएगा। आप भी मेरे से अपना फ़ोटोज़, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यही है लास्ट मेरा क्लिप, फिर सारे को जोड़ के एडिट कर दूँगी। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्जॉय किए होंगे, आशा करती हूँ कि मैं आपको बोर नहीं की होंगी, एज अ फैमिली मैं आपको मानती हूँ, आप लोग भी मानते होंगे। तो बड़ों को मेरे तरफ से प्रणाम, छोटों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक अपने लाइफ के लिए। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, यही मेरा मोटिव है। लाइफ में कुछ अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। आपकी दिवाली बहुत बहुत मंगलमय हो, लाइफ भी आपका बहुत अच्छा चले। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी, लव यू अलॉट, बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।